विद्यार्थियों को करियर को लेकर अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एआई और मेटावर्स रोचक तरीके से पढ़ाई करने के भी काम आएंगे। इसके साथ ही काउंसलर की तरह भविष्य के लिए गाइड भी करेंगे। लोकल एटन के जरिए हम आपको बताते हैं कि इंदौर की एक स्टार्टअप कंपनी ने वर्चुअल रियलिटी डिवाइस तैयार किया है। इसकी मदद से वह बच्चों को भविष्य में करियर चुनने में मदद करेंगे। एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ में जोड़ के यूथ को हम कितना बेस्ट सोल्यूशन दे पाए, इस पे हमको काम करना था। एजुकेशन, हर चीज अपग्रेड होती है दुनिया में, सारी चीजें अपग्रेड हो रही हैं, बस एजुकेशन ही है जो सबसे स्लोएस्ट अपग्रेड होता है जिसमें। बाकी दुनिया में तो ठीक है, इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड ही अगर देख रहे हैं तो एजुकेशन में अपग्रेड बहुत स्लो हो रहा है। मतलब आज हर चीज में अपग्रेड है। कुछ सालों पहले अगर चले तो जो एक फेज था जब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ऐसा था कि नहीं नहीं चलाना है सोशल मीडिया, बच्चे मना करते थे कि पेरेंट्स मना करते थे बच्चों को कि सोशल मीडिया मत यूज करो, और आज हर कोई सोशल मीडिया पे है क्योंकि वो एक एजुकेशनल और टैलेंट क्रिएटर प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। आज इतने सारे बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू अपना घर चलाते हैं, अर्न करते हैं अपने घर के अंदर बैठ के। तो वो जो एक विलन साइड था सोशल मीडिया का कुछ सालों पहले, क्योंकि अवेयरनेस की कमी थी, यूजेबिलिटी की कमी थी और लोगों तक चीज पहुंची नहीं थी, लेकिन आज हर घर में सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हर कोई चला रहा है, हर किसी के हाथ में फोन है और सोशल मीडिया से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसकी यूजेबिलिटी जो उस वक्त नहीं थी वो आज है। समय लगा लेकिन एक नई जनरेशन का क्रिएशन हुआ। वैसे ही नई टेक्नोलॉजी का जो अडेप्शन है, जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, अभी एआई आ गया है, बड़ा चल रहा है मार्केट में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारी नई चीजें अडेप्ट कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग फेवर भी कर रहे हैं, चल रही है बहुत सारी बातें, चल रही है बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी चल रहे हैं मार्केट में। लेकिन जो एक्चुअली यूजर है इन सब टेक्नोलॉजीज का, वो क्या कर रहा है? वो स्कूल में है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो अभी मेच्योर नहीं है, अभी आ रही है धीरे धीरे। यूजर है वो बच्चा है स्कूल में या कॉलेज का, वो 4 साल 5 साल बाद इसको यूज करेगा। तो अगर हम उनको आज से ही इन टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयर कर पाए और उनको बता पाए कि तुम फ्यूचर में इस चीज पे भी करियर बना सकते हो, इस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप कर सकते हो, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई प्रोडक्ट बना सकते हो या अपना पूरा पूरा करियर डेडिकेट कर सकते हो, तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खुल गया है, नई लाखों पॉसिबिलिटीज खुल गई है नई इंडस्ट्री में, वो बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है। लिमिटेड सेट ऑफ करियर्स हैं हमारे यहाँ पे, कि अगर किसी बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट चूज करना है स्कूल में तो वो लिमिटेड होते हैं कि इतने ही सब्जेक्ट्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स के बाद में कॉलेजेस में भी लिमिटेड कोर्सेज हैं कि मुझे बस इतने ही कोर्सेज करने हैं, जबकि नहीं, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं टेक्नोलॉजी में। तो वो सारी चीजों से अवेयर कराने का जो हमारा थॉट था वो यही था, नई टेक्नोलॉजी से बच्चों को अवेयर करना। उसके लिए हमने एक डिजाइन किया था, हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस सेंटर, या उसको हम एक कल्पवर्स लैब जो हमने नाम दिया है उसको, वो एक लैब, ऐसी लैब होने वाली है जहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई वो वीआर हेडसेट के अंदर कर पाएगा। कि अगर वो फोटोसिंथेसिस बुक में पढ़ रहा है या वीडियो में देख रहा है, तो जब वो वीआर डिवाइस पहनेगा तो वो फोटोसिंथेसिस खुद कर पाएगा, कैसे हो रही है वो पूरे फील कर पाएगा इमर्सिव एनवायरनमेंट में, कि अच्छा ये सन है, मैंने हाथ रखा, सन की रेज नहीं आ रही है तो पौधा जो है हरा नहीं है, वो पीला पड़ रहा है, क्लोरोफिल नहीं बन रहा है, इस तरीके से फोटोसिंथेसिस काम करता है। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितनी भी चीजें वो पढ़ाई कर रहा है ना, सारी चीजों की वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट में, इमर्सिव एनवायरनमेंट में, उसका एक्सपीरियंस वो और बेटर कर पाएगा। जो भी वो बुक्स में पढ़ रहा है, जो उसको घंटों लग रहा है पढ़ने में, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से वो टॉपिक वो विद इन बहुत कम समय में समझ पाएगा या अंडरस्टैंड कर पाएगा। दूसरी चीज है एआई। हमारी लैब में एआई का एक ऐसा रोल है, जब बच्चा डिवाइस पहनेगा और अपना सारा सिलेबस उसमें एक्सपीरियंस करेगा जो वो पढ़ रहा है, उसके बाद में उसके वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्विजेस भी होंगे, एग्जाम्स भी होंगे। अब कौन सी वो एक्टिविटी गलत कर रहा है, सही कर रहा है, एआई का जो टूल होगा वो उसको डिटेक्ट करेगा और वो फिर बच्चे को बताएगा कि आपने गलत किया या फिर सही किया, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना है। तो एआई का रोल वहां आता है। अब बच्चा दो तकनीकों से यहाँ पे अवेयर हो चुका है, एक वर्चुअल रियलिटी और दूसरा एआई, उसको पता है कि दो चीजें हैं जो होती हैं कुछ मार्केट में है और ऐसा कुछ होता है। अब अगर एक 8वीं का बच्चा जान गया है कि नहीं वीआर के अंदर ऐसा पढ़ाई हो रहा है और एआई करके कुछ बॉट है जो मुझसे बात करता है वर्चुअल ट्यूटर की तरह, मुझे बता रहा है कि बेटा तुमने ये प्रोसेस गलत करी, वो डिटेक्ट कर रहा है, उसको दो टेक्नोलॉजीज के ऊपर में अवेयरनेस आ गई, उसके अलावा जो वो पढ़ रहा है वो भी और बेटर वो ग्रेस्प कर पा रहा है, तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी यहाँ खुल गई बच्चे के लिए। तो वो 2 साल बाद जब वो 11वीं में सब्जेक्ट चूज करेगा तो हो सकता है कि कोई थॉट जनरेट हो कि मैं भी कुछ ऐसा बनाऊंगा या डेवलप करूंगा। तो यहाँ पर एक नई जनरेशन क्रिएट हो सकती है इंडिया के अंदर में। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि आई है तो बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है, जो कि फैक्ट है, तो जाने वाली है तो मिलेंगी किसको, नई जॉब्स भी तो क्रिएट होंगी, इस बारे में बात कोई नहीं कर रहा, पुरानी जॉब्स जाने वाली ही करेक्ट, बट नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इस बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। तो जो नई जॉब्स क्रिएट होंगी वो इन बच्चे लोग ही करेंगे, वो नई टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे समझेंगे, और जो ज्यादा उन टेक्नोलॉजीज पे एक्सपर्ट होगा वो जॉबलेस नहीं होगा, इनफैक्ट वो और ज्यादा अर्न करेगा कंपेयर टू जो पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करता है। तो इनको सबको अपना स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी जो कोर्सेज हैं अब तो काफी नए नए इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चे हैं कोडिंग हो गई या डिजिटल मार्केटिंग हो गई या बेसिक इंजीनियरिंग के जो भी कोर्सेज हैं वो अपनी जगह है, लेकिन नए स्किल सेट कैसे डेवलप होंगे बच्चों के, कौन करके देगा उनको, फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए उनको रेडी कौन करेगा? तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी हम ये सॉल्यूशंस और ये लैब प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर में बच्चों का स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हैंड ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं, कि एग्जिस्टिंग आपके पास में जो टैलेंट है, एग्जिस्टिंग आप जो पढ़ाई आपने कर रखी है उसके साथ में
अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को कैसे मिक्स करें और अपना स्किल सेट अपग्रेड करें। लोकल लेटिन के लिए इंदौर से राधिका कोडवानी की रिपोर्ट।